मैं डॉक्टर नीलम फ्रॉम अफेक्टो होम्योपैथी पटियाला। आज असी गल करांगे एसिडिटी दे बारे। एसिडिटी जिन्हों की एसिड रिफ्लक्स से हार्ट बर्न भी कहा जाता है, जिस की होंगे साडे स्टमक च नॉर्मली जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होंगे है वह बैकफ्लो करना शुरू कर जाता है साड़ी फूड पाइप च। एसिडिटी के कॉजेस की होंगे ने, सब तो पहला स्टमक के कुछ डिसऑर्डर्स करके एसिडिटी होंगी है, जिमें कि GERD, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, पेप्टिक अल्सर्स, हाइटस करनिया, साड़ी अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स करके जिमें ओवर ईटिंग, ईटिंग जस्ट बिफोर स्लीप, एक्सेसिव इनटेक ऑफ सॉल्ट स्पाइसिस, लो फाइबरस डाइट, ते कुछ ड्रिंक्स की एक्सेसिव इनटेक जिमें टी, कॉफी, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, एक्सेसिव फ्राइड इनटेक, ते कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स करके जिमें एंटी इनफ्लेमेटरी ड्रग्स, एंगजायटी और डिप्रेशन की मेडिसिन, हाई BP की मेडिसिन, अदर कॉजेज आ जाता है लैक ऑफ स्लीप, एक्सेसिव स्ट्रेस, एक्सेसिव इनटेक ऑफ एल्कोहल, एक्सेसिव स्मोकिंग, ते परसन जो ऑलरेडी डायबिटीज से अस्थमा तो सफर कर रहे होंगे ने वो मोर प्रोन हो जाते हैं एसिडिटी होने वास्ते। फीमेल जिन्होंने मेनोपॉज होने वाला होंगे वो भी एसिडिटी वास्ते ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं। प्रेगनेंट फीमेल च भी एसिडिटी बहुत कॉमनली पाई जाती है। हुण एसिडिटी के सिमटम्स की होंगे ने, बर्निंग सेंसेशन एंड पेन इन फूड पाइप एंड थ्रोट, एक्सेसिव बर्पिंग, इनडाइजेशन, पोस्ट मील हैवीनेस, कॉन्स्टिपेशन, रिगर्जिटेशन ऑफ फूड, सॉर टेस्ट इन माउथ, बैड ब्रेथ। तो असी पेशेंट नो ट्रीटमेंट तो अलावा कुछ लाइफ स्टाइल चेंजेस से डाइटरी चेंजेस भी दसते हैं। लाइफ स्टाइल चेंजेस च की होंगे कि साड़ी ईटिंग हैबिट्स नो इंप्रूव करना, जिमें कि एक्सेसिव इनटेक जो स्पाइसिस है उन्होंने घटाना, सॉल्ट इनटेक नो बैलेंस करना, स्मोकिंग ते एल्कोहल नो अवॉइड करन दी कोशिश करना, एक्सरसाइज ऐड करना अपने रूटीन च, जो एक्सेसिव वेट गेन है उन्होंने लूज करन दी कोशिश करना, ते स्लीप पैटर्न ते पोजिशन नो बैलेंस करना, जिमें कि खान खान तो इमीजिएटली बात सुन पैना नहीं है, ते अपने पोजिशन नो सही करना, जिमें जो हैड है वो थोड़ा जा एलिवेट होना चाहिए साड़ी बॉडी ते कंपैरेटिवली, ते कुछ होम रेमेडीज होंगी है जो टेंपरेरी इमीजिएट रिलीफ दे सकती है एसिडिटी नो, जिस सब तो पहला कोल्ड मिल्क आ गया विदाउट शुगर, जीरा आ गया, जीरा नो तुसी च्यू भी कर सकते हो, ते या फिर एक टीस्पून लेके उन तुसी पानी च बॉइल करके भी वो तुसी ले सकते हो। कोकोनट वाटर हो गया, अजवाइन होगी, जिंजर, अजवाइन, इलायची, बनाना, पपाया, ये कुछ टेंपरेरी होम रेमेडीज है लाइक एंटीसिड जो एसिडिटी नो टेंपरेरी रिलीफ कर सकती है। पर असी फैक्टो होम्योपैथी च कॉज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ते पेशेंट नो एज अ होल ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। जे तुसी भी किसी इदा दी प्रॉब्लम नाल सफर कर रहे हो ते तुसी साडे क्लिनिक विजिट कर सकते हो, ते सानू कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।